Hello friends, welcome to Maitre Mantras. My name is Ankur Kumar Sharma and this is my 30th video on network theory. So in this video I'll be starting the Norton's theorem. I have already completed the superposition theorem and the Thevenin's theorem in my previous videos, that is 28th and 29th video. So I wish that you have watched those videos and now you are ready with the Norton's theorem. So let's start. देखो इसकी डेफिनेशन पहले हम देखते हैं. तो डेफिनेशन में क्या है, ए टू टर्मिनल नेटवर्क एन ए, कोई मतलब दो टू टर्मिनल नेटवर्क है एन ए कंटेनिंग लीनियर एलिमेंट्स, जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो लीनियर है. मैं बता चुका हूँ लीनियर एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है. एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज इज इक्विवेलेंट टू अ सोर्स टू अ सिंपलर नेटवर्क कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आई एन इन पैरेलल विद करंट सोर्स आ रेजिस्टेंस आर एन. देखो इसमें क्या मतलब है इसका, नॉर्टन्स थ्योरम हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या इसका बेनिफिट्स है वो मैं बताने जा रहा हूँ इसकी डेफिनेशन में. तो हम कोई भी एक टू टर्मिनल नेटवर्क जो कि हमारा लीनियर एलिमेंट से बना हुआ हो, जिसके अंदर हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स भी हों, उस नेटवर्क को हम एक सिंपलर नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स जिसको हम बोलते हैं नॉर्टन्स करंट, जो कि हमारा लोड टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करने के बाद हमारा फाइंड होता है, उसके बाद हमारा जो एक रेजिस्टेंस आर एन जो कि हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस या फिर थेवेनिन्स रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर एन एंड आई एन देर वी विल कनेक्ट द रेजिस्टेंस आर एल. That is load resistance that we have already removed out of there. So friends, this is the circuit after this is the conclusion we can say after solving all these circuits, we will just have a simple circuit that will be having a Norton's current, that will be having a Norton's resistance and a load resistance RL. So let's see this example that is based on the Norton's theorem. One more thing I want to tell you, that the Norton theorem and Thevenin's theorem are dual networks. Okay, देखो dual network का क्या मतलब होता है, पहली बात तो मैं duality आपको आगे अभी बताने वाला, अभी network theory के last topic जो होगा ना वही हमारा duality होगा. लेकिन duality बताने से पहले मैं अभी यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ कि ये दोनों dual network क्यों हैं, क्योंकि हम इन दोनों को एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं. अभी चलो इसको अभी आएगा पॉइंट कि हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा VTH और RTH इन सीरीज होता है, और मैंने आपको बताया था कि सोर्स कन्वर्जन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जो हमारा IN है, IN क्या हो जाएगा, VTH अपॉन RTH, और RN जो है हमारा RTH के इक्वल होता है. और हम अगर वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो सीरीज में रेजिस्टेंस होता है वो हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं बता दूंगा चलो इसको भी इन फ्यूचर. तो इसमें क्या है, इन दी बिलो गिवन सर्किट फाइंड दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी 5 ओम रजिस्टर बाई यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम. 5 ओम का रजिस्टेंस जो है ये वाला रजिस्टेंस, इसमें हमें करंट फाइंड करनी है विद दी हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम. फ्रेंड्स हम इसको फाइंड तो कर सकते हैं इजिली KVL की हेल्प से भी और नोडल की हेल्प से भी, लेकिन इसने बेसिकली पूछ लिया है कि इसको आप नॉर्टन्स से ही फाइंड करो, तो हम नॉर्टन्स ही यूज़ करेंगे इसमें. नॉर्टन्स के लिए हमारा पहला रूल, पहला केस बोल लो, रूल बोल लो, पहला केस क्या है कि हमें नॉर्टन्स करंट फाइंड करनी है, उसके बाद हमें नॉर्टन्स रेजिस्टेंस या थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो हम नॉर्टन्स करंट IN फाइंड करना चाह रहे हैं. IN के लिए हम क्या करते हैं, रूल क्या है, देखो रूल ये है कि हम सबसे पहले जो भी जिस रेजिस्टेंस जो कि हमारा लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम करंट फाइंड करना चाह रहे हैं उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं. तो ये जो 5 ओम था यहाँ पे, इस 5 ओम को हमने कर दिया यहाँ पे शॉर्ट सर्किट. तो इस शॉर्ट सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही होगी वो हमारी होगी IN करंट. ठीक है, यहाँ से IN करंट हमारी फ्लो कर रही है. उसके बाद क्या है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, किसी भी तरीके से हमें इसमें अब जो ये वाली ब्रांच है IN करंट फाइंड करनी है इसमें. ठीक है, इस ब्रांच के अंदर जो IN करंट फ्लो कर रही है इस वैल्यू को फाइंड करना है. तो इस करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये, तो 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेसिक्स वाला जो चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर उसमें. तो या फिर फाइंड कर लो यार 3 × 6 / 3 + 6, यही फॉर्मूला होता है ना, R1 R2 / R1 + R2. तो 3 × 6 / 3 + 6, तो 18/9 2 आएगा. और वैसे भी मैं बता चुका हूँ 2 ही आता है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन याद रखने के लिए भी बोला था. नेक्स्ट है 2 ओम तो यहाँ से आ गया और 1 2 ओम यहाँ पे लगा हुआ है,
तो ये दोनों 2 ओम सीरीज में है, तो इसलिए 4 ओम हो गया, और इधर भी हमारा 4 ओम है। तो इसका मतलब अगर पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो जो हमारी करंट दोनों में डिवाइड होगी वो भी सेम होगी, आधी आधी डिवाइड हो जाएगी। तो अगर यहाँ से 20 एम्पियर जा रहा है तो उस 20 एम्पियर में से 10 एम्पियर इधर वाले में आ जाएगी और 10 एम्पियर इधर वाले में आ जाएगी, तो हमारी 10 एम्पियर्स डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या है, 10 एम्पियर्स डिवाइड होने के बाद हमारा इस वाली ब्रांच में जो 10 एम्पियर आ रहा है वो हम क्या करेंगे, 6 ओम और 3 ओम में डिवाइड करेंगे। तो 6 ओम और 3 ओम में डिवाइड करने के लिए हमें करंट डिवीजन रूल पता है। करंट डिवीजन रूल क्या होता है कि हमारी जो टोटल करंट है मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम। तो यहाँ से क्या आएगा, टोटल करंट कितनी है 10 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 3 ओम में हमें करंट फाइंड करनी है IN, तो इसलिए हम क्या करेंगे 6 ओम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपोजिट रेजिस्टेंस लेते हैं ना डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम, तो 6 + 3 तो आ गया 60/9, या फिर इसको हम IN बोलेंगे 20/3 एम्पियर्स। ठीक है, तो हमारी नॉर्टन्स करंट फाइंड हो चुकी है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, हमारे इसमें दूसरे स्टेप होना चाहिए थेवेनिन्स रेजिस्टेंस या नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन्स या फिर नॉर्टन्स रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या तरीका है, तो उसके लिए देखो क्या है, इसमें जो जितने भी सोर्सेज हैं वो हमारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जब भी हों तो हम क्या करते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको कर देते हैं शॉर्ट सर्किट, और जो हमारे करंट सोर्स होते हैं उनको कर देते हैं हम ओपन सर्किट। हमने वही सेम करने के बाद वोल्टेज सोर्स को हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को कर दिया ओपन सर्किट। और RTH कहाँ पे फाइंड करेंगे हम, जो 5 ओम था उसके अक्रॉस। ठीक है, तो 5 ओम हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से देख रहे हैं अगर हम, तो इधर से हमें क्या दिख रहा है, 4 और 2 आ गया हमारा 6 ओम सीरीज में, और 6 और 6 आ गया हमारा पैरेलल में। तो 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया हाफ। मैंने बताया था जब भी दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आधा हो जाता है, n इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो वो R/N हो जाता है। तो यहाँ से क्या आएगा, आधा हो गया मतलब 3 ओम हो गया, और एक 3 ओम ये वाला सीरीज में आ गया, तो RTH कितना आ जाएगा, 3+3 हो गया हमारा 6 ओम। तो यहाँ से आ गया RTH इक्वल टू 6 ओम। अब देखो इतना करने के बाद क्या है, अब हमें पता है कि हमारा IN निकल चुका है और RN निकल चुका है। अब हमें पता है नॉर्टन्स के, हम जो बनाते हैं नॉर्टन्स नेटवर्क कैसे बनाते हैं, नॉर्टन्स का बनाने के लिए IN RN पैरेलल में और इनके पैरेलल में हमारा लोड रेजिस्टेंस RL, तो 5 ओम हमारा लोड रेजिस्टेंस था, तो ये आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से I फाइंड करना था ना, करंट इन द 5 ओम रेजिस्टेंस, तो 5 ओम रेजिस्टेंस में I एज्यूम कर लिया, तो अब इसमें फिर से करंट डिवीजन रूल लगेगा। I क्या हो जाएगा, यहाँ से 20/3 और मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस, अपोजिट कितना है 6, और डिवाइडेड बाई 6+5 हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो I की वैल्यू आ गई यहाँ से 40/11 एम्पियर्स। ठीक है, 40/11 एम्पियर्स हमारे यहाँ से फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलप दी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट अक्रॉस दी टर्मिनल्स ए एंड बी, मतलब ए एंड बी टर्मिनल के अक्रॉस हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो ए एंड बी टर्मिनल हमारे ये हैं, देखो ए एंड बी टर्मिनल के अक्रॉस अगर हमें फाइंड करना है तो हमें पता है कि सबसे पहले हम करते हैं करंट फाइंड। करंट को हम बोलते हैं नॉर्टन्स करंट IN। IN को हम जब भी देखो ये रेफरेंस बना लो कि हम हमेशा नीचे की तरफ एज्यूम करके चलेंगे IN को, याद रखना इस चीज़ को, मतलब ये आप रेफरेंस बना लो इस तरह का कि हम जो नॉर्टन्स करंट फाइंड करते हैं वो नीचे की तरफ ही लेते हैं डायरेक्शन। ठीक है, जिस ब्रांच में भी फाइंड करना है, तो IN आ गया नीचे की साइड। उसके बाद क्या है, ये आपका है I1 करंट इसमें मान लिया हमने, और इधर से क्या आ रहा है IX करंट इधर जा रहा था। ठीक है, IX करंट इधर जा रहा है, ये हमारा 4 ओम रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस का 10 वोल्ट यहाँ पे दिख रहा है, और ये आ गया हमारा I1 करंट इसमें मान लिया, और I2 IX इधर जा रहा था, और 5 ओम हमारा रेजिस्टेंस है ही है। देखो आपको ये लग रहा होगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में गैप था, यहाँ पे तो गैप है ही नहीं, बेसिकली यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। तो जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो दोनों पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा, तो दोनों पॉइंट का वोल्टेज सेम है तो हम इन दोनों पॉइंट को एक साथ एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब देखो इसमें क्या है, तुम्हें यहाँ से देखो क्या दिख रहा है कि यहाँ से जो हमारी IN ये क्या है IX, और देखो इसमें देखो पहले IN जो है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा है IN इक्वल टू I1+2 IX, तो IN जो है वो किसके इक्वल दिख रहा है, I1+2 IX दिख रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1 होगी। और I1 क्या होगा, देखो यहाँ से I1 क्या होगा, ये जो 10 वोल्ट है ये इसके पैरेलल में दिख रहा है, क्योंकि ये तो तुम्हारा सेम है शॉर्ट सर्किटेड है, तो शॉर्ट सर्किट पाथ में तो वोल्टेज 0 हो गया, तो बचा हमारे ये 10 वोल्ट तो 10 वोल्ट इसके 5 ओम के अक्रॉस दिख रहा है, इसलिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है क्योंकि, तो इसलिए क्या होगा I1 की वैल्यू 10/5, तो हमारी 2 एम्पियर यहाँ से निकल जाएगी करंट। उसके बाद IX देखना है, तो हमारा ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है ये कनेक्टेड है इन पैरेलल विद दी 10 वोल्ट,
तो वोल्टेज सोर्स 10 है यहाँ पे, इसकी कनेक्ट है पैरेलल में 4 ओम। यहाँ से IX फाइंड करना है, तो IX क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 4, तो आ गया यहाँ से IX इक्वल टू 5/2 एम्पियर्स। ठीक है, IX आ गया 5/2 एम्पियर्स। अब क्या IN फाइंड करना है, तो IN क्या होता है, I1 प्लस 2IX, I1 हो गया 2 एम्पियर प्लस में 2 इंटू IX कितना हो गया 5/2, तो यह आ गया हमारा 7 एम्पियर्स। ठीक है, 7 एम्पियर आ गया। नेक्स्ट दूसरा स्टेप होता है हमारा RTS या फिर RN फाइंड करना। RTS फाइंड करने का हमें तरीका पता है, जब भी हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो उसके बेसिस पे होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम, कि हमारे देखो इसको हम पहले इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को करेंगे शॉर्ट सर्किट। जैसे ही हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, वैसे ही देखो शॉर्ट सर्किट के जो पैरेलल में ब्रांचेज होती हैं डायरेक्टली पैरेलल कनेक्टेड हो, वो भी शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो इसका वोल्टेज 0, तो इधर वाले का भी 0, तो इधर वाले का 0, तो अब जो IX करंट फ्लो करेगी वो भी 0 फ्लो करेगी। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट ही हो गया ना, बेसिकली ट्रिवियल एलिमेंट बन चुका है। मैं बता चुका हूँ आपको ट्रिवियल एलिमेंट कैसे कैसे बनता है, तो ये शॉर्टेड हो गया देखो ये पाथ, तो इसके साथ ये भी शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो RTH आएगा वो बेसिकली हमारा खाली 5 ओम ही आएगा। उसका रीज़न क्या है, देखो IX 0 हो गया, तो IX 0 हो गया तो 2IX भी 0 हो गया, तो ये वाला ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद RTH जो है वो 5 ओम दिख रहा है ऐसे डायरेक्टली, तो RTH की वैल्यू आगी 5 ओम। अब क्या है, यहाँ से अब हम बना लेंगे इक्विवेलेंट सर्किट IN और इन पैरेलल विद RN। IN था हमारा 7 एम्पियर और RN था हमारा 5 ओम, तो यहाँ से आ गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है डेवलप दी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट अक्रॉस द टर्मिनल्स X एंड Y। X एंड Y टर्मिनल हमारे ये दिख रहे हैं, तो X एंड Y के अक्रॉस हमें बनाना है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। फ्रेंड्स देखो इसमें भी फिर से सेम चीज़ अप्लाई करनी है, IN पहले फाइंड करेंगे। IN फाइंड करने के लिए मैंने डायरेक्शन बताई थी आपको, नीचे की तरफ लेना है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड आपने डायरेक्शन ले ली IN की। IN की डायरेक्शन अगर आपने ये ली है, देखो अब ये ब्रांच कहाँ चली गई, J20 ओम है ना, J20 ओम कहाँ भाग गया। देखो अगर जैसे ही आप इसको शॉर्ट करोगे, इसके शॉर्ट करने से ये वाले जो एलिमेंट है वो ट्रिवियल हो जाएगा, क्योंकि इसके जो अक्रॉस वोल्टेज होगा शॉर्ट सर्किट के वो होगा 0, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसका 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला 0 हो गया, तो आपका सिर्फ एक ही सर्किट बचेगा, ये वाला बस लूप। तो इस लूप में अगर आप देखोगे तो IN कितना आना चाहिए, 10 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 माइनस j10, क्योंकि टोटल इम्पिडेंस लेंगे। देखो अभी हम DC की बात करते हैं तो सिर्फ रेजिस्टेंस लेते हैं, और AC की बात करते हैं तो इम्पिडेंस लेते हैं। इम्पिडेंस या तो RL से मिलकर बनेगा या फिर RC से मिलकर बनेगा। RL के लिए R प्लस जे ओमेगा L होता है, और RC के लिए R माइनस जे ओमेगा C होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, IN इक्वल टू ये हो गया 10 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 माइनस j10, तो IN 10 कैंसिल हो गया, 1/1 माइनस j हो गया। तो IN की वैल्यू अगर हम मोड की फॉर्म में ले लें और एंगल की फॉर्म में, तो IN क्या हो जाएगा, ऐसे 1/√2 एंगल ऑफ 45 डिग्री एम्पियर हो गया। ठीक है, तो IN की वैल्यू होगी 1/√2 एंगल ऑफ 45 डिग्री एम्पियर्स। अब हमें क्या फाइंड करना था, RN या फिर हम ZN बोल लेते हैं क्योंकि AC सर्किट है। तो ZN फाइंड करने के लिए क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट सोर्स कौन सा है, इसमें ये हो गया 10 एंगल 0 डिग्री, इसको कर दो शॉर्ट सर्किट। जब ये जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट हुआ, बाकी सर्किट सिंपलर है। सिंपलर कैसे, 10 माइनस j10 आ गया एक तो ये, और दूसरा J20 है। तो J20 और 10 माइनस j10 कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। तो पैरेलल में क्या होता है तरीका, 1/Z = 1/Z1 + 1/Z2, तो ये हो गया 1/Zn = 1/J20 + 1/J 10 - j20 10। तो कितना आ जाएगा, 1/20 कॉमन ले लो, तो 1/J + 2/1 - j। ठीक है, तो आ गया 1/20 कॉमन, बच्चा 1 - j + 2j / j (1 - j). उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ZN की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक और तरीका हो सकता है, इसको आप डायरेक्टली भी कैलसी से फाइंड कर सकते हो, तो नॉर्टन्स थ्योरम नॉर्टन्स मॉडल बना ही सकते हैं। ये IN आ गया, ये RN आ गया, सिंपल है बस, XY टर्मिनल इनको बोल दो, ये हो गया X टर्मिनल, ये हो गया Y टर्मिनल, बन गया हमारा नॉर्टन्स मॉडल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं बता रहा था अभी, कि जो हमारे थेवेनिन्स और नॉर्टन्स हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ड्यूअल नेटवर्क्स। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें क्या था, VS और RTH मान लो या VTH मान लो, मतलब VSRS बोल लो या फिर VTH RTH बोल लो। तो VSRS का अगर हम करंट सोर्स में कन्वर्जन करते हैं, तो जो I की वैल्यू होगी, करंट की देखो डायरेक्शन होती है प्लस की साइड, हमेशा याद रखना,
प्लस की जो है ना, प्लस वाला साइन जो होगा वोल्टेज सोर्स में, वही हमारी करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि करंट जो है इसमें, याद रख लेना इस सिंबल को, बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसमें, करंट की डायरेक्शन अपोजिट बना दिए तो गलत हो गया। तो अब यहाँ से करंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी एस अपॉन आर एस, क्योंकि आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। और जो ये सीरीज वाला रेजिस्टेंस था, जब हम सोर्स उसमें करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, तो हमारा जो सीरीज रेजिस्टेंस था आर एस, वो हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस आर एस बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो आर टी एच या फिर आर एन की वैल्यू होगी वी ओ सी बाई आई ओ सी होगी। अब देखो इसी के बेसिस पर हम उल्टा भी कर सकते हैं, ये करंट सोर्स दिया हुआ है, इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन कर सकते हैं। वी इक्वल टू होता आई आर, तो आई आर मतलब आई एस इंटू आर एस हो गया, और बचा हमारा आर एस सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पैरेलल में था तो वोल्टेज सोर्स में सीरीज में आ जाता है, तो इसलिए आई एस इंटू आर एस हो गया और ये आर एस हमारा सीरीज में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द टर्मिनल वोल्टेज एंड द करंट ऑफ अ नेटवर्क आर गिवन बिलो, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दिस नेटवर्क। मतलब कह रहा है कि वोल्टेज और करंट दिए हुए हैं कि वी, और वी की वैल्यू जब 60 वोल्ट है तब आई की वैल्यू 0 है, और वी की वैल्यू जब 0 वोल्ट है तो आई की वैल्यू 10 है। देखो इससे क्या पता चल रहा है, जब आई की वैल्यू 0 का मतलब क्या है ओपन सर्किट, और वी की वैल्यू 0 का मतलब क्या है शॉर्ट सर्किट। तो एक तरह से क्या दिया हुआ है, ये वी ओ सी दिया हुआ है, वी ओपन सर्किट 60 वोल्ट, और ये क्या दिया हुआ आई एस सी दिया हुआ है, आई एस सी का मतलब 10 एम्पियर हो गया। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, तो वी ओ सी कितना हो गया 60 वोल्ट, वी ओ सी को वी टी एच भी बोल सकते हैं, तो वी टी एच हो गया 60 वोल्ट, और आई एस सी कितना हो गया हमारा 10 एम्पियर, क्योंकि एस सी का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो शॉर्ट सर्किटेड था उस टाइम पर हमारी करंट, तो आई एस सी कितना हो गया 10 एम्पियर्स, तो आई एस सी हो गया आई एन के इक्वल, तो यहाँ से आई एन कितना हो गया हमारा 10 एम्पियर्स। अब देखो आर टी एच फाइंड करने का तरीका, आर टी एच इक्वल टू आर एन होगा, और वो होगा हमारे वी टी एच अपॉन आर टी एच के इक्वल। यहाँ से भी दिख रहा होगा आपको आर टी एच इक्वल टू आर एन इक्वल टू कितना होता है वी टी एच अपॉन आर टी एच, या फिर वी ओ सी अपॉन आई ओ सी, ठीक है, तो वी ओ सी अपॉन आई ओ सी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से आर टी एच और आर एन फाइंड करेंगे वी टी एच अपॉन आई टी एच करके, तो वी टी एच हमारा 60 वोल्ट और आई एस सी या फिर आई एन बोल लो, आई एन हमारा 10 एम्पियर, तो आ गया हमारा 6 ओम। यहाँ से आर टी एच और आर एन फाइंड हो गया 6 ओम, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास वी टी एच भी है, आई एस सी भी है, या फिर आई एन बोल लो आई एन भी है, और आर टी एच भी है, तो अगर तीनों चीज़ें, तो हम दोनों में से कोई से मॉडल लगा सकते हैं, या तो हम थेवेनिन मॉडल से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम नॉर्टन से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों चीज़ निकल चुकी हैं। तो देखो अगर हम इसको थेवेनिन से कर रहे हैं तब क्या होगा देखते हैं पहले। तो थेवेनिन मॉडल से अगर हम कर रहे हैं इसको, तो थेवेनिन मॉडल से करने पर क्या दिख रहा है, 6 वोल्ट तो हो गया हमारा वी टी एच, और 6 ओम जो हो गया ये हमारा हो गया आर टी एच, ठीक है, और ये जो हमारा 4 ओम दिख रहा है ये हो गया हमारा आर एन, आर एन मतलब नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। तो अब ये, या फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस है यहाँ, तो थेवेनिन मॉडल यूज़ करें तो थेवेनिन, ये आर एल जो है ना लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला थेवेनिन रेजिस्टेंस और ये थेवेनिन वोल्टेज। तो अब यहाँ से आई कितना आ जाएगा 60/10, तो 60/10 आ गया 6 एम्पियर। ऐसे ही हम नॉर्टन्स मॉडल से बना सकते हैं, नॉर्टन्स मॉडल में आई एन आ गया हमारा 10 एम्पियर, 6 ओम आ गया हमारा आर एन, और ये 4 ओम है, देखो अब इसके बाद क्या है, आई की जो वैल्यू आएगी, आई कितना आएगा यहाँ से 10 मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस, क्योंकि हम 4 ओम में फाइंड करना चाह रहे हैं करंट की वैल्यू, तो जो 4 ओम में फाइंड करना चाह रहे हैं तो अपोजिट वाला 6 ले लेंगे, तो 10 इंटू 6 बाई 10 प्लस 4, 6 प्लस 4, तो आ गया हमारा 10 से 10 कैंसिल, तो 6 एम्पियर बचा। तो आई की वैल्यू दोनों ही मॉडल से हमारी सेम आ गई, ये आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि हम चाहे नॉर्टन से यूज़ करें, चाहे हम कोई सा भी थ्योरम यूज़ करें, चाहे हम कोई भी KVL KCL यूज़ करें, करंट की वैल्यू हमेशा सेम ही आनी चाहिए। इसमें क्या है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ करंट आई इन दी बिलो गिवन सर्किट व्हेन दी डायोड इज आइडियल। देखो इसमें क्या कह रहा है, करंट जो है हम उसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, करंट आई की जो कि हमारा सर्किट में दिया हुआ है, कब, जब हमारा डायोड जो है वो आइडियल है उस केस में। तो मान लिया कि ये जो डायोड दिख रहा है यहाँ पे आई, ये डायोड हमारा क्या है आइडियल है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, ये 10 वोल्ट हो गया, 2 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, और ये 3 एम्पियर और ये 1 ओम। अब हमें क्या करना है, इसको नॉर्टन से करेंगे, तो नॉर्टन से करने के लिए या फिर सिंपली, अच्छा सिंपली किया हुआ है इसमें, क्योंकि बोला नहीं है नॉर्टन, इसने बस बोला है करंट आई फाइंड करो जब हमारा डायोड आइडियल है। तो इसमें क्या होगा, 5 एम्पियर, 2 ओम, 2 ओम, ये डायोड लगाई हुआ है, यहाँ आई करंट फ्लो करेगी, 1 ओम, और ये हो गया 3 वोल्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 एम्पियर विद 2 ओम कैसे लगा हुआ पैरेलल में, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्जन,
पहले तो 2 और 2 का ही निकाल लो, 2 और 2 का हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन 1, तो यहाँ से आगे 1 ओम, तो इस तरह का बन गया सर्किट। अब 1 ओम और 5 एम्पियर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स में, तो वोल्टेज सोर्स में करेंगे 5 × 1 हो गया और 1 ओम पैरेलल सीरीज में आ गया, तो ये हो गया 5 वोल्ट और ये 1 ओम सीरीज में, और ये भी 1 ओम हो गया और ये 3 वोल्ट हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। जब ये वोल्ट डायोड जो है वो आइडियल है, इसका मतलब 0 वोल्ट सोर्स होगा इसके अंदर, मतलब 0 वोल्टेज स्टोर्ड होगा, क्योंकि हमारा आइडियल वोल्टेज आइडियल डायोड के लिए तो 0 होता है VTH, यो वी गामा, ठीक है। अब इसके बाद आई फाइंड करना है, तो आई कितना होगा, वी 5 − 3 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो 5 − 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो 1 एम्पियर आ गया यहाँ से, ठीक है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द नेटवर्क एंड कंबाइन कंटेन्स रजिस्टर्स एंड द इंडिपेंडेंट सोर्सेज फॉर आर इक्वल टू 0 एंड 2 ओम, मतलब आर की वैल्यू 0 और 2 ओम के लिए हमारा जो एन नेटवर्क है, सॉरी नेटवर्क एन है उसके अंदर रजिस्टेंस है और इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, और आर की वैल्यू 0 ओम और 2 ओम है। द वैल्यू ऑफ करंट आई जो है वो 3 एम्पियर एंड 1.5 एम्पियर है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई व्हेन आर इक्वल टू 1 ओम, तो ये कह रहा है कि देखो हमारी आर की वैल्यू 0 ओम और 2 ओम है, और जो करंट आई की वैल्यू वो 3 एम्पियर और 1.5 एम्पियर है। पूछ रहा है करंट आई व्हेन आर इक्वल टू 1 ओम, तो हमारा ये नेटवर्क है एन, इस नेटवर्क की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे वो थेवेनिन से फाइंड कर लिया मान लो, तो थेवेनिन से फाइंड कर लिया तो हमारा VTH और RTH से सर्किट बन गया इस तरह का सिंपलर नेटवर्क, और हमारा जो R है वो रेजिस्टेंस तो इसमें कनेक्टेड होगा ही होगा, तो ये हमारा R कनेक्टेड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि VTH कितना होगा, I इंटू RTH प्लस में R, क्योंकि VTH कितना होगा I इंटू RTH प्लस में R, या फिर ब्रैकेट अगर ओपन कर देते तो I इंटू RTH प्लस I इंटू R, तो इक्वेशन नंबर 1 होगी। दूसरा क्या है, VTH इक्वल टू 3 इंटू RTH। अब देखो इसी इक्वेशन से हम A बना रहे हैं, कैसे बना, देखो यहाँ से जब हमारी R की वैल्यू 0 थी तो I की वैल्यू कितनी थी 3 एम्पियर, तो R की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो और I की वैल्यू 3 एम्पियर पुट कर दो, तो VTH कितना हो गया 3 इंटू RTH, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। एंड जो दूसरा VTH होगा वो कितना होगा, I की वैल्यू कितनी थी हमारी, हाँ I की वैल्यू थी, R की वैल्यू 2 ओम और I की वैल्यू 1.5 एम्पियर, तो ये आगे 1.5 को 3/2 लिख लिया, 3/2 इंटू RTH प्लस में 3/2 इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो VTH कितना आ गया 3/2 इंटू RTH प्लस में 3 हो गया, इक्वेशन नंबर बी हो गए, ए मान लो बी मान लो, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है हमें कि दोनों इक्वेशन ए और बी जो है वो VTH को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 3 RTH इक्वल टू 3/2 RTH प्लस 3, तो 3/2 RTH प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 3 RTH, तो RTH कितना आएगा यहाँ से 2 ओम फाइंड करने के बाद। अब जब RTH निकल गया तो VTH निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 × 2 हो गया 6 वोल्ट, ठीक है इतना। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, उसका बस वही VTH RTH निकल चुका था, तो अब हम सर्किट बना देंगे, सर्किट में आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इजीली। डेवलप दी थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट मॉडल फॉर दी बिलो गिवन नेटवर्क, ये कोई नेटवर्क है इसके लिए हमें थेवेनिन और नॉर्टन दोनों फाइंड करना है। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, VTH फाइंड करते हैं, क्योंकि थेवेनिन के लिए हमें VTH और RTH चाहिए और नॉर्टन के लिए हमें IN चाहिए, ठीक है, और RN तो RTH के इक्वल ही होता है। सॉल्यूशन क्या है, देखो बहुत सारे, हाँ ये बच्चों को डाउट रहता है इस चीज़ का कि सर RTH और RN में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं है, दोनों का तरीका फाइंड करने का सेम है और दोनों ही इक्वल हैं। तो अब ये क्या है, इसमें डेवलप दी थेवेनिन से नॉर्टन्स दोनों इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं, तो ये 100 वोल्ट आ गया वोल्टेज सोर्स, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, और ये आ गया हमारा 5 एम्पियर का सोर्स आ गया करंट सोर्स। VTH फाइंड करना है, तो VTH किसके इक्वल होगा, जो यहाँ पे वोल्टेज आएगा XY के टर्मिनल के अक्रॉस, तो XY के टर्मिनल के अक्रॉस आ गया हमारा 100 वोल्ट, क्योंकि तीनों ही ब्रांचेज जो है वो तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो तीनों में ही जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, तो इसलिए जो VXY होगा वो 100 वोल्ट हो गया, तो ये VXY बोल लो या VTH बोल लो, तो VTH हो गया 100 वोल्ट। अब ये आ गया देखो 100 वोल्ट करंट वोल्टेज सोर्स, उसके साथ हमने ये 2 ओम जो लगा हुआ है ये मतलब सर्किट को ऊपर से उतार लिया पूरा ऐसे कैसे ही, तो VTH आ गया हमारा 100 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्या, हमें इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस XY बिकॉज इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग KVL। देखो इसमें अब ये कह रहा है कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा KVL को, अगर हम नॉर्टन्स डेवलप करना चाह रहे हैं तो। अब ये नॉर्टन्स डेवलप करने के लिए हमें करते क्या है, जिससे कि हमें ये पता चल गया कि हाँ भाई ये फॉलो नहीं कर रहा है। देखो नॉर्टन्स के लिए हम सबसे पहले जो स्टेप लेते हैं IN फाइंड करने के लिए, वो हम XY टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं,
इतना क्लियर है। जब शॉर्ट सर्किट करते हैं और आई एन करंट यहीं पे फ्लो करती है, तो अगर ये शॉर्ट हो गया तो इसके पैरेलल में जितनी ब्रांच कनेक्टेड है सब शॉर्ट होगी, तो सब शॉर्ट होगी तो यहाँ से क्या आएगा, आर एन उसकी आई एन की वैल्यू निकल नहीं पाएगी, तो इसलिए क्या होगा यहाँ से हम आर एन जो है वो आई एन फाइंड नहीं कर सकते, इसी वजह से हम नॉर्टन्स थ्योरम लगा नहीं सकते, मतलब नॉर्टन्स का जो इक्विवेलेंट हो यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है इतना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह का ही, फॉर द बिलो गिवन सर्किट डेवलप इट्स नॉर्टन्स एंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें क्या है, नॉर्टन्स एंड थेवेनिन्स फाइंड करना है, तो इसमें क्या है देखो यहाँ से सबसे पहले हम करते हैं नॉर्टन्स, तो नॉर्टन्स के लिए आई एन फाइंड करना है, पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं एक्स वाई टर्मिनल को, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट, आई एन इसमें करंट फ्लो करेगी, और आई एन देखो आई एन जो है सीरीज में पूरा सर्किट सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसलिए आई एन किसके इक्वल होना चाहिए 5 एम, जितना भी यहाँ से दिया हुआ होगा वोल्टेज वो करंट सोर्स, तो 5 एम्पियर के इक्वल होना चाहिए, तो डायरेक्टली आई एन कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया। अब आता है वोल्टेज सोर्स के टर्म में, तो वोल्टेज सोर्स के टर्म में अगर हम देखें मतलब थेवेनिन्स थ्योरम के लिए, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, थेवेनिन के लिए चाहिए वोल्टेज, तो वोल्टेज चाहिए तो ये क्या हो गया, देखो वोल्टेज चाहिए तो हमारा ये जो ओपन सर्किट करना पड़ेगा, और ओपन सर्किट में करंट कितना फ्लो करता है 0 एम्पियर, लेकिन यहाँ तो दिखा रखा है 5 एम्पियर, तो अगर 5 एम्पियर जा रहा है यहाँ से आ रहा है तो इधर भी जाना चाहिए, इधर कहाँ भाग जाएगा, तो इसलिए क्या होगा इसमें भी हमारी नॉर्टन की करंट फाइंड नहीं हो पाएगी, तो इसी वजह से हमारे इसमें नॉर्टन का जो नॉर्टन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए कि हम इसमें नॉर्टन थ्योरम क्यों नहीं लगा पा रहे, और इसमें हम थेवेनिन थ्योरम क्यों नहीं लगा पा रहे, और इसमें हम नॉर्टन थ्योरम क्यों नहीं लगा पा रहे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखो इसमें क्या है, द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नेटवर्क इज गिवन बिलो, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बिलो गिवन नेटवर्क। देखो इसमें क्या वेव फॉर्म दी हुई है, अब ये थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, वेव फॉर्म कैसे देखना है। तो देखो VOC 20 वोल्ट है, कैसे पता चला, ऐसे पता चला, देखो V की वैल्यू, V का ग्राफ ये और I का ग्राफ इधर है, तो V I का अगर हम देखें ध्यान से तो V की वैल्यू 20 वोल्ट है और I की वैल्यू 0 है, तो इसीलिए क्या हुआ है, आई की वैल्यू 0 का मतलब ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट पर वोल्टेज आ रहा है तो VOC बोलेंगे, तो VOC हो गया 20 वोल्ट, VTH भी VOC के इक्वल ही होता है, ये भी 20 वोल्ट हो गया। अब ऐसे ही ISC फाइंड करना है, देखो ये जो इनबिल्ट सर्किट के अंदर जो करंट दी हुई है वो इनसाइड दी हुई है, लेकिन हम IN जो फाइंड करते हैं मैंने बताया था डाउनवर्ड देखते हैं, तो IN डाउनवर्ड होगा, तो ISC कितना आएगा, माइनस का 4 एम्पियर। अब ये कैसा आया, ये यहाँ से आया, क्योंकि देखो शॉर्ट सर्किट करंट का क्या मतलब है, जब वोल्टेज 0 हो उस टाइम पे क्या करंट है, तो ये माइनस का 4 दिख रहा है नीचे, कब है ये, जब तुम्हारा वी की वैल्यू 0 हो जाए, तो वी 0 होने पे क्या मतलब है शॉर्ट सर्किटेड, तो ISC जो आएगी शॉर्ट सर्किट करंट वो होगी माइनस का 4 एम्पियर। उसके बाद IN जो होगा वो माइनस का ISC के इक्वल हो गया, जो कि हमारा 4 एम्पियर आ गया। उसके बाद है RTH इक्वल टू RN इक्वल टू VT इक्वल टू कितना हो गया, VTH अपॉन IN हो गया। तो ये RTH की वैल्यू भी आप कैसे फाइंड करोगे, VTH अपॉन IN से फाइंड कर सकते हो, या फिर इसको हम VOC बाई ISC भी बोल सकते हैं, यहाँ से RTH फाइंड हो जाएगा 20/4 मतलब 5 ओम आ गया। सर्किट बना लो थेवेनिन्स इक्वेशन का, तो थेवेनिन्स मॉडल बना दिया, तो इससे हमारा आई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इजीली। तो यही इस वीडियो में इतना ही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में रेसिप्रोसिटी थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन थ्योरम स्टार्ट करेंगे, और भी मिलमैंस थ्योरम भी इसमें ही करा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में 2 या 3 हम थ्योरम कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो में इतना ही कंप्लीट करते हैं अभी के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे एक तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग इसको देख रहे हैं वीडियोज़ को, दूसरा क्या फ़ायदा है कि आपको भी नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ, तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स को बताया करो कि हाँ मैं इतना अच्छा वीडियो देखता हूँ, तो आप लोगों को भी कुछ देखना हो तो इस तरह का देख लीजिए। सो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।